लू मास्टर जी। बाल हेंगे तो एबिक लगावे। कम हवाबाजी किया करो, अटेंडेंस तुम्हारी कम हो रही है और दाढ़ियां तुम्हारी बढ़ती जा रही हैं। पूरे साल ना तुम्हारी शक्ल दिखी, ना तुम्हारा होमवर्क दिखा और ना ही तुम्हारी ड्रेस। और तू तू क्या बोल रहा था उस दिन, छोटा छोटी? मास्टर जी तुम बाल कंसु पहाड़े क्या याद करवाओगे जब तुम्हें इतनी सी बात याद ना रहती है। यू नो कह रहा है मोटा मरता मोटी पे, भूखा मरता रोटी पे, मास्टर जी की तीन लोंडिया, मैं मरता सबसे छोटी पे। छोटी वाली ना, अब तो वो बीच वाली ज्यादा अच्छी लगे। बीच वाली? हाँ यार, छोटी वाली तेज बहुत है लेकिन बीच वाली तो मांग ली के। मतलब? मतलब वो मांग के बहुत खड़े। कह रहा मैं क्या, हमें तो फ्रेंडशिप से मतलब है। क्यों बात तुझे? मास्टर जी तुम्हारे हाथ बहुत चले, यू ये हरकत रही ना काय दिन जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। अरे शुक्र मनाओ मेरे सिर्फ हाथ चलते हैं। एक मेरे गुरुजी थे मास्टर कपूतमल, वो डंडा दिख रहा है उससे मारा करते थे, मार मार के बॉडी पर टैटू बना देते थे, टैटू। आज भी याद है मुझे वो दिन। चैप्टर तेरा कौन याद करेगा? बात साफ कर लूंगा, बात साफ कर लूंगा। माँ साहब तो चले गए, बस अपना डंड यादें छोड़ के चले गए। अरे ये दोनों कहाँ गए? हर हर महादेव बोलो, घर को खोलो, घर को खोलो। हाथ हटा यहाँ से, हैं? घर सुखा के दिखे मूली, सारा वजन मेरे ऊपर टेक दिया, क्या मैं हूँ कूली? ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? हाथ हटा। एक मिनट, तेरे हाथ तो ये रे। मास्टर जी नमस्ते। कहाँ चले? अभी तो बिना जिम के दोनों की बॉडी बनानी है। सुनो मास्टर जी, स्कूल की छुट्टी पड़ गई है, 15 दिन तक होमवर्क का नॉम मत ले दीजिए। 15 दिन बाद तू ले आएगा होमवर्क? करके लाऊंगा, अगर तुम्हें नौ करो मिलो तो कुत्ते की तरह मारियो अमित। क्या कह रहा है? 20 रुपए दे के सचिन से करवा लेंगे सारा होमवर्क। करवा लेंगे? करवा लेंगे? क्या करवा लेंगे? अरे तूने तो बोला करवा लेंगे। मैंने कब बोला? पागल हो गए। ऐसा है, अब बात करियो सीधा 15 दिन बाद। अगर 15 दिन में होमवर्क ना करके लाए तो बीच चौराहे पे काट के फेंक दियो अमित। ठीक है बेटा जाओ, पर याद रखना अब मैं जहां भी जाऊंगा मुझे बस ख्याल रहेगा तुम्हारे होमवर्क का। होमवर्क तेरा झूठी जुबान के कहने, मास्टर जी को जुबान तो दे दी कि 15 दिन बाद होमवर्क दे देंगे, अब कल स्कूल खुल रहे हैं, आज भी अगर होमवर्क करने बैठे ना पूरे एक साल में भी ना पूरा कर पावे। मास्टर जी कल हमारी इतनी कुटाई करेंगे ना, छाती पर टैटू ही टैटू छाप देंगे। भाई थोड़ा आराम से चल रहे, मेरे जूता लिकट रहे हैं यार। और तू होमवर्क की कहाँ टेंशन ले रहा है? पहले भी मास्टर जी गोल चटकावे, अब भी चटका देंगे, तू टेंशन मत ले यार, चिल मार। चल फिर। होमवर्क कहाँ है? अरे मास्टर जी अभी आधी रात पड़ी है, कल स्कूल में पूछिए होमवर्क की। हाँ पंकज, चुरा लिए क्लास के पंखा, पन्ना, कॉपी के पन्ना। हाँ यार घर तक भी ना पीछा छोड़ रहे, क्या होगा पंकज? अपना काम बन गया भाई। मास्टर जी की लोंडिया ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली क्या? अबे लोंडिया ने नहीं, भगवान ने एक्सेप्ट कर ली हमारी दुआ। मास्टर जी कोमा में चले गए, अब ना करना पड़े कुछ भी होमवर्क। पागल हो रहा है क्या? मास्टर जी तो हमारी गैल खड़े हैं। मास्टर जी होमवर्क की तो बात है, तब ऐसे पीछे पड़ रहे हो जैसे थार कन्यादान लेकर भग गए हम। मेरे सामने हॉस्पिटल के पलंग पे, तू ये देख यार। पागल हो गया दीख है। अरे तुम्हें एक बात बताऊं, हम डरते किसी सुनो है?
भाई तो गायत्री मंत्र आवे ना भाई, हनुमान चालीसा आवे ना, मैं सुना दूं। भाई तो ये मेरे पीछे कोई दिखाई दे रहा है? अरे मुझे नहीं दिख रहा है यार तेरे अलावा कोई भी। अरे सीधे वाला का छोड़ो, हमसे बात करो मास्टर जी। से भी बात कर लेते हैं। अरे मेरे भैया का। ओम बर। भाई मेरे पापा नु कहवें पिछले एक साल का आज ही चाहिए। जब तुम्हें भूत दिखाई देवे ना तो ऐसा महसूस करो कि कुछ दिखाई ना दे रहा। भाई ओ मैं निकला बिगड़ी मार। तेरे पापा झूठ बोले है। भाई पापा की पता ना मम्मी की एक बात है, मुझे भूत कुछ बोल रहा होता ऐसे महसूस करो तो मैं कुछ सुनाई ना देता। आ जाता कल 1200 करोड़ रुपए का मैंने कुत्ता लिया। कुत्ते का नाम है जर्मन लेपर्ड। ऐसी का खासियत है कि उसकी खासियत ही तो ये कि उसकी कोई खासियत ही नहीं है। होमवर्क कहाँ है? ऐसे तो कल तो फिर मैंने भी गधा खरीदा 1800 करोड़ को। उसकी क्या खासियत भाई? बिल्कुल तेरी तरह सुंदर है, निकम्मो। मेरी बीच वाली बेटी रेनू का नंबर खो गया, क्या है बताइयो? 9911 दोनों नंबर रहवे बंद। अब कैसे सुन गया? मास्टर जी, कभी कभी स्कूल गोल नहीं मारूंगा, बहुत मेहनत से पढ़ाई करूंगा, माफ कर दो। मैं भी तारी तीनों बेटी को अपनी बहन की नजरों से देखूंगा मास्टर जी। मैं कभी भी आपके स्कूटर में पंचर नहीं करूंगा, कभी हवा नहीं निकालूंगा। मेरे स्कूटर की हवा तू निकालता था? ये निकालता था। अच्छा बेटा चल तू घर चल, तेरे तो पूरे खानदान से होमवर्क करवाऊंगा। माफ कर दो मास्टर जी, माफ कर दो। आपकी लड़की को तो लव लेटर ये देता था, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, मुझे तो लव लेटर की स्पेलिंग भी नहीं आती मास्टर जी। भाई मैं ना जाऊं अपने घर में, तेरी गैल चलूंगा। गैल चलेगा? मैं तुझे गोदी में लेके जाऊंगा, मैं लेके जा रहा कहीं भी। अब तूने ही मास्टर जी से भसड करी, अब तू ही से सुलझा, मेरे से दूर रह। सोच ले भाई अगर कल को तेरे घर आ गए, मेरा एड्रेस ही ना पता। डिंग 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 तू ही भुगत। भाई उन्हें मेरा एड्रेस ना मेरे गांव तक की भी पता, मैं तेरी गैल चलूंगा भाई। मैं ना ले जा रहा, निधि का नंबर दूंगा फिर ले जा। 150 रुपया का नुकसान होगा मेरा, सारी सब्जी बिखर गई वहीं। हाँ 150 रुपया में तो नाटू PS5 गेम खरीद लेता बेटा। बात और पाद हिसाब देख के मारना चाहिए, चल आ जा। बात तो ठीक है पर इतना अंधेरा कैसे है? घर वाले कौन तेरे सारे? अरे मेरे घर वाले गए हैं मेरे फूफा के ब्याह में, मेरे फूफा का ब्याह है आज। अरे फूफा को ना बुआ को हो गया ब्याह। अब यार तू गरीब आदमी तो है, क्या पता अमीरन के कैसे हो गए। मेरी बुआ भागी तो हम फूफा का ब्याह करवाना पड़ रहा है। तू सारी बात छोड़, तू मेरी बेन बात सुन। मैं हूँ अब बॉस, तू है मेरा एम्प्लॉई। अब तू करेगा मेरी सेवा, अगर तो है चाहिए भूत से बचना। सबसे पहला काम जो तो है करना है वो करना, मेरे को लग रही है भूख और मुझे बना ला मैगी। मैं ना बनाना मैगी वैगी कुछ भी, रैपट में सारी की सारी बत्ती भी घेर दूंगा। चल अपने घर चल चल। भाई मैं तुझे पूछ रहा हूँ ज्यादा मिर्च की खाओगे कम मिर्च की? हाँ ऐसा पूछना। मैं खाता हूँ देखो, अमीर लोग खाते हैं कम मिर्च, मीठा कम मिर्च कम, लेकिन हाँ सलाद वलाद ऊपर से गेर के, सब्जी वब्जी ऊपर से गेर के बढ़िया सी बना दियो स्वादिष्ट। जब तक मैं देख रहा हूँ शक लगा बूम बूम। टमाटर जरूर गेर दियो थोड़ा सा, ऐसे आराम से ऊपर से ऐसे नमक डालियो, ऐसे करके मिर्च डालियो, स्वादिष्ट बनियो यार कुल मिला के। और मेरा होमवर्क भी कर दियो।
चलो होमवर्क रहने दे यार, अब गुरुजी चेक ही ना करें। कर ले होमवर्क। रैपट में सारे छोले कुलचे बिखेर दूंगा तेरे, तू कौन हो मुझे समझाने वाला, कर ले होमवर्क। है गुरुजी, गुरुजी आप यहाँ कैसे? विकास के घर गया था, वहां कोई मिला नहीं तो मैं समझ गया कि यही मिलोगे। गुरुजी आपको हमारा एड्रेस कैसे पता लगा, मतलब मेरा एड्रेस? स्कूल के रजिस्टर से देख के आया, भूत हूँ मैं। गुरु तुम्हारे पापा, भाग 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 निकल, भाग 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 जा। भाग बेटा, भूत आया। टाइटैनिक से टकराया था आइसबर्ग, कहाँ है तुम्हारा होमवर्क? मेरा प्लान सुन, मास्टर जी भागेंगे तो एक के पीछे ही ना। एक काम कर, तू लेफ्ट जा, मैं जा रहा हूँ राइट, ठीक है? लुच्चा पार्क के पीछे मिल। कहाँ पर है विकास? मैं भाई तेरे बराबर में ही बैठा हूँ। भाई इससे ज्यादा सेफ जगह पूरे वर्ल्ड में ना है कहीं भी। इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूं। भाई धक्का मेरे पे ना भागा जा रहा है। मुझसे बच के भागोगे हैं? ये लो यार, दर्द सा ना हुआ? ओ गुरुजी, अरे भाई मौज कर दी तुमने तो। तुम तो कतई भी हैवी ड्राइवर ना निकले, समझ गए तू बात है? इसका मतलब गुरुजी बस हमें डरा सके, छू नहीं सकते। भाई तैने क्यों मारा? क्योंकि मैं विकास के अंदर हूं। पर भाई तैना काहे को मारो? क्योंकि अब मैं अमित के अंदर हूं। मार मार के भूत बना दूंगा दोनों का। बेटा उड़ा उड़ा के कबूतर बना दूंगा। भूतों की साइकिल भी चुराने लगे? मास्टर जी आ रहे होंगे। ओए मम्मी मर गया, बच गया। मास्टर जी आ रहे होंगे पैदल और हम आगे अपने जहाज में उड़ के। पर हम स्कूल क्यों आए हैं? भाई बहुत काम की चीज करना है, सीधे जाएंगे मास्टर जी के स्टाफ रूम में, वहां से चुराएंगे दो होमवर्क, एक पे लिखेंगे तेरा नाम, एक पे लिखेंगे मेरा नाम, और सुबह 7 बजे तक मास्टर जी के चरणों में रख देंगे। डिंग 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 डिंग, चलो फटाफट आ जा। पर भाई मेरी साइकिल। अरे साइकिल है, बहुत थोड़ी ना है, नहीं ले लेंगे, आ जा जल्दी। यार जीते तो जी, कोमा में भी मास्टर जी परेशान कर रहे हैं, जल्दी। पर भाई मुझे डर लग रहा है। अरे मेरा बाबू गोदी में, मेरी छोटा भाई हूं। आ जा रे, आ जा, वजन बढ़ रहा। आ जा। एक एक जगह की नकली चाबी बनवा रखी है मैंने। आ जा मेरे चीते। ऐसा कोई पुलिस स्टेशन है जहाँ भूतन की शिकायत होती हो? मैं ना पता भाई, मैं तो पहली क्या कर रहा हूँ, गायत्री मंत्र रू याद कर लो, बहुत बढ़िया रहेगा। भूतन ने टट्टी वट्टी बनाती है, कहीं रुका हम निकल जाए। मुझे क्या पता, इनके मम्मी पापा होते होंगे ना, शिकायत कर दे इनकी। अरे यार मुझे कैसे पता होगी मैं भूत हूँ क्या? भाई मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से ले चल तू। अरे मैंने जिम शुरू कर दिया, भूत है मैं दूंगा कूट, चल तू मेरी।
अबे क्या होगा, क्यों चिल्ला रहा है भाई? भूत कहाँ है? भूत क्या? अभी तो यही है। कहाँ गया? अभी यही है। अरे तुझे तो रोटी खाती बेर भी अब भूत ही दिखेगा, चल। बचना है तो मेरे भाई, डरे मत ना भाई, हवा टाइट है बहुत। अरे यार तू तो डरे बहुत है भाई। डरने की बात ऐसी है, कच्चा बनियान की आ रही है अपनी, कभी जिंदगी में साथ नहीं छोड़ूंगा भाई, दर्द खराब होगी। अरे डट जो, चिल्लावे मत ना, क्या होगा, पुरानी सेल डालेगा तो ऐसी होएगा। पुरानी सेल का ही बजट हो? अरे बजट तेरा, बजट मारूंगा तुझे यही। एक मिनट रुक, सामने ही है मास्टर जी की क्लास, आ जा। चुप रहियो, भूत है ना जो चिल्लाने वाले को खा जावे। यार मास्टर जी के रूम की लाइट जल जावे और कोई दिक्कत ना है। मास्टर जी मुझे माफ कर दो, ये सारा आइडिया इसका है, जो भी करना है इसकी गैल करियो, मुझे छोड़ दो मास्टर साहब। हसीना गोरी है, घर पे रखी पहचान की बोरी है। क्या कह रहा है, कभी साथ ना छोड़े। अरे ढोंगी जी, तो ऐसा कर रहा, तेरा होमवर्क ही ना लेके चलू। मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मुझे भी नहीं दिख रहा। और जला कर रखियो। ठीक है। आ जा। मास्टर जी ने इंडिया को रखे गए होमवर्क, ऊपर वाली लाइन पे देख, तो यहाँ तो किताब है, नीचे इस वाले में देख, सेक्शन लिख रहा होगा, सेक्शन है। अरे कहो है यार, भाई लाइट बाकी। अरे चुप, फट मांग देगा शांत। चुप चुप रह, मैं चला गाऊंगा। चुप रोवे मत ना, जो रोवे उसे खावे भूत। चुप रह, यहीं रुकियो। चुप है, टॉर्च चला गया। इधर एक टॉर्च, मैं मदद कर दूं। मास्टर जी आप यहाँ कैसे आए? गोला कैब करके आया। अबे मैं कहीं भी जा सकता हूँ, भूत हूँ मैं। तुम्हें क्या लगा मैं तुम दोनों का प्लान सूंघ नहीं सकता? अब तुम देखो, अब मैं तुम्हारी दाढ़ी मूछ और बाल साफ करूंगा। मास्टर जी, ये आपके मास्टर जी का डंडा, इसका शुभारंभ करो ना, इससे पहलो हमें, क्या तुम हमारी दाढ़ी बाल मूछ काटने के चक्कर में लग रहे हो ना? ए,
फेंक दे डंडा। क्यों फेंक दे? इससे इससे लो हमारा रिमांड। हमारे तो डैडी मूंछ बाल वैसे भी नाते, इससे मारो मैं। लो लो। अरे मैं कह रहा हूँ फेंक दे तो फेंक दे डंडा। फेंक दे तो। एक मिनट भाई, फेंक देना। मास्टर जी कह रहे हैं बच्चों, इस डंडे से बेड़े हवा टाइट हो रही है जुल्पी भूत तेरी। अबे अब नहीं फेंकूंगा इस डंडे को। पास समझे? ठीक है बेटा, ये डंडा है एक और तुम हो दो, सारी उम्र इसी से चिपके रहोगे क्या? डंडा एक हम दो, इसके अभी करे दो हिस्सा। मासाब? हाँ मासाब, तू इन बच्चों को क्यों तंग कर रहा है? अरे आप इन्हें नहीं जानते, बहुत ढीठ हैं, होमवर्क नहीं करते। आज मैंने नहीं छोड़ूंगा। होमवर्क तो बेटा तू भी नहीं करता था, और इन बच्चों के ऊपर मैं तू रोब जमा रहा है। मैंने तेरी सारी हरकतों को देखता था, बैक बोर्ड के ऊपर पड़े हुए डंडे के अंदर बैठे बैठे तेरी सारी बकवास सुनता था। अरे वो तो भला हो इन बच्चों का जिन्होंने मुझे इस डंडे से बाहर निकाल दिया। मास्टर जी के, मास्टर जी आपकी क्या पर्सनैलिटी है? आपकी आंखें, आपके दांत, आपके बाल, कमाल। तेरे भैया, तेरे चाचा, तेरे दादा, तेरे नानी, तेरे यमुना नगर वाली मामी, कमाल है। स्टॉप इट, थोड़ा जवानी का जोश दिखाओ और इन डंडों का सहारा लेके जरा मास्टर साहब पर डंडे बजा दो। अरे मां साहब, आप भी नालायकों की बातों में आ रहे हो। नालायक कह रहे हैं हमें और आपको? लुच्चा, लबंगा, बदमाश कह के हमारे ना आंसू आते आते बस रुक जा के, क्योंकि हम पे कोई असर ना होकर, मतलब हम पे बहुत असर होकर कि अपने मास्टर साहब को ऐसे कैसे बोले। क्या? अरे सब झूठ बोल रहे हैं मां साहब। पहले मुझे ना ये बता, तुझे मैंने चैप्टर 13 का टेस्ट दिया था, वो तूने याद किया अभी तक? अरे उससे पहले तो आप निकल गए थे। अच्छा तो ले, अब मैं वापिस आ गया, चल अब मुझे अपना टेस्ट दे, चल। हाँ? नहीं नहीं, अरे अरे अमित, अरे विकास, अरे बचा लो रे। इतनी सारी जो ये लाइटें जल रही हैं, इसमें ना दिखाई दे रहा तुझे, टॉर्च बाल बाल के देख रहा है। पंकज क्या खबर है भाई? भाई मास्टर जी की ना आखिरी सांसें चल रही हैं। और जाते जाते बस तुम दोनों का ही नाम ले रहे हैं। देखो यार, जीते जी तो तुमने इनकी नाक में दम करके रखा, अब कम से कम जाते हुए तो इन्हें थोड़ा चैन दे जाओ। मास्टर जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। आप कहोगे ना तो आपकी आज्ञा के बिना कक्षा से हिलेंगे भी नहीं। हिला हिला हिला, सुनाई ना देती क्या तुझे? जब एक बार हमने कह दी नहीं हिलेंगे तो नहीं हिलेंगे। अबे वो नहीं भाई, मास्टर जी का मुंह हिला। मास्टर जी कोमा से बाहर आ रहे हैं, मास्टर जी हमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? होमवर्क। तेरा भैया रे, ये ना छोड़ा है हमारा पीछा। होमवर्क।